Firstly, we discuss about the property of force plugging. There are two types of properties which we will discuss here. Firstly, physical properties and then chemical properties. In physical properties, here are some properties which we can discuss. These polymer exhibit highly elasticity and can be stressed many times reversibly. They are also called as inorganic polymers. इसको हम इनऑर्गेनिक रबर के रूप में भी यूज करते हैं. इनमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से पाई जाती है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल्स आर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, अर्थात ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिजोल्व होते हैं, जैसे हमने सिलिकॉन्स में भी पीछे बताया था, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं कई फॉस्फाजिन्स में, तो जिस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं. बट आर इनसॉल्युबल इन हेक्सेन. हाउएवर व्हेन द सॉल्यूशन इज अलाउड स्टैंडिंग, दे स्लोली फॉर्म जेल ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग. Their storage in the absence of air does not cause any change in their elastic properties. However, in the presence of moisture, the polymer become brittle due to formation of oxygen bridge between chains. अर्थात एयर की एब्सेंस में यदि हम इनको स्टोर करते हैं तो इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन मॉइस्चर की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रिज बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी डिस्टर्ब होती है. यदि हम इनको हीट करते हैं, दिस इज द टेट्रामर डेरिवेटिव, इनको हीट करने पर दे मे बी पॉलीमराइज टू इलास्टिक प्रोडक्ट ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट, एंड ऑन हीटिंग द प्रोडक्ट गेट डीपॉलीमराइज. उसको अगर हम पॉलीमराइज प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो वो वापस डीपॉलीमराइज हो जाता है. एंड दीज कंपाउंड्स आर समवॉट इरिटेटिंग एंड टॉक्सिक इन नेचर, उनमें टॉक्सिक नेचर भी पाया जाता है. So these were the physical properties of these compounds, and now we will discuss some chemical properties also. First one is nucleophilic substitution at phosphorus. जैसा कि हम organic chemistry में भी पढ़ते हैं, inorganic में भी पढ़ते हैं, substitution reaction in which one group is substituted by the another group, और जब कोई nucleophile attack करता है तो उसको हम nucleophilic substitution के अंतर्गत consider करते हैं. नेचर ऑफ फॉस्फोरस हेलोजन बॉन्ड, जैसा कि हम ये जानते हैं, ये हमारा एक फॉस्फोजिन कंपाउंड है, इसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, देन फॉस्फोरस हेलोजन के साथ भी जुड़ा होता है. तो द नेचर ऑफ फॉस्फोरस हेलोजन बॉन्ड इज सच दैट ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फॉस्फोरस प्रोवाइड्स वन ऑफ द इजिएस्ट रूट टू ऑर्गेनो फॉस्फोजिन्स यूजिंग हेक्साक्लोरो साइक्लो ट्राइफॉस्फोजिन एज स्टार्टिंग मेटीरियल. हेक्साक्लोरो फॉस्फोजिन्स रिएक्ट रेडियली विथ एल्कलाई मेटल एल्कोक्साइड्स एंड एमाइड्स, अर्थात इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम इसको ऑर्गेनोफॉस्फोजिन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जो इसका मोस्ट अबंडेंट डेरिवेटिव है वह क्लोरो डेरिवेटिव है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. दिस वन इज हेक्साक्लोरो साइक्लो ट्राइफॉस्फोजिन, दिस कंपाउंड इज नॉन एज. और जब इसकी हम एल्कोक्साइड या एमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन ग्रुप एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाए, एल्कोक्साइड ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे और ऑर्गेनोफॉस्फोजिन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस वन इज एन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एल्कोक्साइड ग्रुप एंड दिस इज फॉस्फोजिन. तो ये एल्कोक्साइड ग्रुप इसके फॉस्फोरस पे अटैक करेगा. SN2 अर्थात न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फॉस्फोरस पे हो रहा है. यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस पे ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है. यहाँ पे पहले से मौजूद क्लोराइड आयन बॉन्ड इससे डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है. फाइनली क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा और एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा. तो क्लोराइड आयन का सब्स्टिट्यूशन एल्कोक्साइड आयन के द्वारा हो जाता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं. The nucleophilic polysubstitution of chloride by alkoxide proceeds via displacement of chloride at separate phosphorus center. जब हम इसको step by step इस reaction को करते जाते हैं, in excess of alkoxide ion, step by step chloride ion replace होते जाएंगे. पहले one phosphorus के दोनों chlorine replace होंगे, then second phosphorus के, इस तरह से finally सारे chloride ion यहाँ से displace हो जाएंगे, alkoxide ion जुड़ जाएगा. जैसे ये हमने NPCl2 3, ये इसी कंपाउंड को हम, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, इसके रूप में यदि हम इसको लिखते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, तो पहले एक एल्कोक्साइड ग्रुप रिप्लेस, एल्कोक्साइड ग्रुप
क्लोराइड को रिप्लेस कर देता है, हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा NPClOR का थ्राइस प्लस 3NaCl। देन फर्दर यदि हम इसकी अधिकता में रिएक्शन कराएं एक्सेस ऑफ एल्कोक्साइड तो ऑल द क्लोराइड विल बी रिमूव बाय एल्कोक्साइड आयन एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर जनरल वे में हम इस रिएक्शन को देखें तो दिस इज फॉस्फाजीन मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल पे क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और क्लोराइड की जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और आगे से रिएक्शन होती जाएगी। द ऑब्जर्व्ड रेजियो सेलेक्टिविटी इज ड्यू टू कंबाइंड स्टेरिक इफेक्ट एंड ऑक्सीजन लॉन पेयर पाई बैक डोनेशन विच डीएक्टिवेट ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोरस एटम। हमने बताया कि पहले एक क्लोराइड एक फास्फोरस का एक क्लोराइड रिप्लेस होता है तो सभी फास्फोरस के एक एक क्लोराइड रिप्लेस होंगे, देन उस फास्फोरस का सेकंड क्लोराइड रिप्लेस होता है तो इसके पीछे रीजन क्या बताया है स्टेरिक इफेक्ट एंड ऑक्सीजन लोन पेयर पाई बैक डोनेशन, क्योंकि उस फास्फोरस पे एल्कोक्साइड बल्की ग्रुप जुड़ जाने की वजह से वहाँ पे दूसरा एल्कोक्साइड ईजिली नहीं आ सकता तो पहले सेकेंड नंबर का एल्कोक्साइड सेकेंड फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, देन जब सभी फास्फोरस पे एक एक एल्कोक्साइड जुड़ जाते हैं उसके बाद में फर्स्ट फास्फोरस पे वापस सेकेंड एल्कोक्साइड अटैक करता है तो ये इसका रीजन है रेडियो सेलेक्टिविटी का कि ऑक्सीजन का लॉन पेयर बाय पाई बैक डोनेशन एंड स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द एल्कोक्साइड ग्रुप। हेलो साइक्लो ट्राइफॉस्फाजिन रिएक्ट विद ए वाइड वेराइटी ऑफ एल्कोक्साइड एरिल ऑक्साइड एंड मर्केप्टाइड टू गिव ऑर्गेनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। यदि हम इसकी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं मर्केप्टाइड के साथ रिएक्शन कराएं या एरिल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्गेनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हमें मिलते हैं। इसी के साथ ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम अमोनोलाइसिस भी देख सकते हैं। वेन दे रिएक्ट विद अमोनिया प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन हेलोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड एंड वेरियस डेरिवेटिव कंटेनिंग हेलोजन एज वेल एज NH2, NHR और NR2 ग्रुप्स आर ऑब्टेंड। तो जब इस फॉस्फाजीन कंपाउंड की हेक्साक्लोरो साइक्लो ट्राइफॉस्फाजीन कंपाउंड जो है उसके हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्लोराइड ग्रुप एमिनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। यदि हम RNS2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NHR के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। इस तरह से रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। दीज आर सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच में अकर ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द क्लोरीन एटम इन फॉस्फोर नाइट्रिलिक क्लोराइड इज वेरी रिएक्टिव एंड इट कैन बी इजिली रिप्लेस बाय मोनोवेलेंट ग्रुप लाइक फ्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड OR एल्कोक्साइड मर्केप्टाइड SR SCN NS2 NR2 एटसेट्रा। एंड दीज वन द एग्जाम्पल्स। यदि हम फॉस्फाजीन के S2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH क्लोरीन को रिप्लेस करता है। सोडियम एल्कोक्साइड मेथॉक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कराई तो मेथॉक्साइड रिप्लेस करेगा क्लोराइड को। इसी तरह से C5H10N के साथ हम रिएक्शन कराते हैं पिरिडीन के साथ में तो C5H10 ग्रुप क्लोरीन को रिप्लेस करता है। यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये भी एक इन कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि मेनली हमने पढ़ा था जो फॉस्फाजीन से साइक्लिक और लीनियर दोनों टाइप के पॉलीमर बनाते हैं लेकिन साइक्लिक पॉलीमर ज़्यादा देखने में पाए जाते हैं और भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। व्हेन हीटिंग हेक्साक्लोरो साइक्लो ट्राइफॉस्फाजीन जब हम इसको हीट करते हैं पॉलीमराइज टू ए लीनियर टाइप हाई पॉलीमर व्हेन हीटेड एट 230 टू 300 डिग्री सेल्सियस। यदि हम 230 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हेक्साक्लोरोसाइक्लो ट्राइफॉस्फाजीन को गर्म करेंगे तो वो लीनियर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। जो टेट्रामर है दिस वन इज द ट्राइमर ऑफ फॉस्फाजीन और यदि इसका टेट्रामर डेरिवेटिव हम लेते हैं जिसका नाम है ऑक्टाक्लोरोसाइक्लो टेट्राफॉस्फाजीन ये भी पॉलीमराइज हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो या अधिक टेम्परेचर पर होते हैं। द कन्वर्जन इज ए टाइप ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसको हम रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत कंसिडर करते हैं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड और लीनियर कंपाउंड में पॉलीमराइज हो रहे हैं। द रिंग ओपनिंग
पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म इज फाउंड टू बी कैटेलाइज्ड बाय ल्यूइस एसिड. इसको ल्यूइस एसिड के द्वारा कैटेलाइज किया जाता है. अगेन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ पॉलीमर एट हाई टेम्परेचर विल कॉज डीपॉलीमराइजेशन. और यदि हम उसको लंबे समय तक हीट करते रहते हैं, पॉलीमर को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो वे डीपॉलीमराइज हो जाते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक क्लोरोपॉलीमर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल पॉली डाइक्लोरोफॉस्फाजीन कंप्राइज ऑफ ए लीनियर पी एन सी एल टू एन टाइप कंपाउंड वेयर एन इज इक्वल टू 15,000. This one is the diagrammatic representation, and then hexachlorocyclotriphosphagene compound को heat किया जाता है 230 से 300 degree Celsius पे, तो ये linear polymer में convert हो जाता है. N की value 15,000 के around होती है, और इस compound का नाम है polydichlorophosphagene. ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं पॉली डाइक्लोरोफॉस्फाजीन. दिस वन इज द रिएक्टिव पॉलीमर इंटरमीडिएट, और इस रिएक्टिव पॉलीमर इंटरमीडिएट से हम फर्दर ऑर्गेनोफॉस्फाजीन्स, डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फाजीन्स भी प्राप्त कर सकते हैं. मान लीजिए ये हमारा पॉली डाइक्लोरोफॉस्फाजीन है, इसकी रिएक्शन यदि हम किसी भी रिएजेंट सोडियम एल्कोक्साइड, प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन के साथ करेंगे, तो उसके कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे. ये एल्कोक्साइड डेरिवेटिव है, दीज आर द एमीन डेरिवेटिव ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो जो पॉलीडाइक्लोरोफॉस्फाजीन प्रोडक्ट इज स्टार्टिंग मटेरियल, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ए वाइड सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड्स. तो इससे हम वाइड रेंज ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं, और इसको हम पॉलीफॉस्फाजीन कहते हैं. सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड ग्रुप बाय अदर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप स्पेशली एल्कोक्साइड एज लेड आउट अबव इट्स न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक डेरिवेटिव्स. थर्ड है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजीन्स. जैसा कि हमने इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में डिस्कस किया था कि फॉस्फाजीन में जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं. नाइट्रोजन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया था, और एक s और दो p ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइब्रिडाइज होकर के sp2 बनाते हैं, जिसमें से एक sp2 ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. तो द नाइट्रोजन सेंटर ऑफ हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन्स आर वीकली बेसिक ड्यू टू इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड टू अदर सब्सटेंस विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दिस कंपाउंड एक्ट एज बेस. तो ये जो अभी हम पीछे लिख रहे थे इसी को लिखने के डिफरेंट वेज हैं. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NPCl2 का ट्राइमर, और यदि हम 3 से इसको सभी को मल्टीप्लाई करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P3N3Cl6. तो दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज द सेम फॉर हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन. तो हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन की जब हम SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एडक्ट प्रोडक्ट बनता है. यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, तीन नाइट्रोजन है तो तीन लोन पेयर होंगे, वो तीन SO3 इसके साथ में एडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं लुईस बेस इज द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुईस बेस. तो ये लुईस बेस की तरह यहाँ पर बिहेव करते हैं. The Lewis base behavior has been suggested to play a role in polymerization reaction, and specifically, hexachlorophosphagene has been reported to form adduct of various stoichiometric with Lewis acids. तो जो ये hexachlorophosphagene है base की तरह behave करता है, तो different Lewis acid के साथ में ये adduct product बना सकता है, जो हो सकते हैं aluminium chloride, aluminium bromide, gallium chloride, sulfur trioxide, TaCl5, VOCl3 etc. बट BCl3 के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं होती है. यहाँ पे ये 1:1 प्रोडक्ट बनता है मेनली, और इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और गैलियम ट्राइक्लोराइड के साथ में बेस्ट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोराइड विथ OH ग्रुप व्हेन वी ट्रीट फॉस्फाजीन विथ वाटर, तो क्लोरीन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है. इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं. द हेलोफॉस्फाजीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर फर्स्ट हाइड्रोफॉस्फाजीन्स.
जैसे ये हमारे पास में हेलोफॉस्फागिन कंपाउंड है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑल क्लोरीन ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय ओएच ग्रुप और इस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी फॉस्फाजिन। क्लोरोफॉस्फाजिन से हाइड्रोक्सी फॉस्फाजिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका हम जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं NpCl की जगह पे OH2 का थ्रेस, होल मॉलिक्यूल का थ्रेस। तो फर्स्टली क्या होता है कि ये जो फॉस्फाजिन हेलो फॉस्फाजिन है वो हाइड्रोक्सी फॉस्फाजिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोक्सी फॉस्फाजिन आइसोमराइजेशन जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिक फॉस्फाजिन, दिस वन इज दीज आर द नोन एज टॉटोमेरिक फॉस्फाजिन। इसमें आइसोमराइजेशन होता है मूवमेंट ऑफ एच फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एच। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फरस पे जुड़े हुए हैं क्योंकि क्लोरीन ग्रुप दोनों फॉस्फरस पे जुड़े हुए होते हैं और इसमें रिप्लेसमेंट हो जाता है तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फरस पे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें टॉटोमेरिक आइसोमराइजेशन होगा और ये एच जाएगा नाइट्रोजन पे और ये डबल बॉन्ड जाएगा पी और ओ के मध्य। तो P और O के मध्य डबल बॉन्ड आ गया, हर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो दिस इज आइसोमर स्ट्रक्चर, दीज आर द आइसोमर स्ट्रक्चर और इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोफॉस्फाजिन। और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोरस क्लोराइड बॉन्ड, ये फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड प्रोटोन माइग्रेशन फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, सेकेंड स्टेप जो इसका आइसोमर स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है प्रोटोन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, ये इसका सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है रिंग क्लीवेज, दिस रिंग विल बी क्लीवेज्ड टूट जाएगी एंड स्केलेटल डिग्रेडेशन, ये रिंग टूट गई उसके बाद में इसका स्केलेटल डिग्रेडेशन हुआ और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलोफॉस्फाजिन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया एंड दिस वन इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन। फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन फॉस्फाजिन्स की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है and this behavior can be attributed to five characteristics of phosphagen. Phosphagens ki jo characteristics hain jiski wajah se Friedel-Crafts reaction show karta hai, these are as follow. The fact that the skeletal nitrogen atom can donate their lone pair electron to acceptor molecule to form coordination complex. Hum padh chuke hain nitrogen atom apna electron pair donate karke coordination complex bana sakta hai. इसी तरह से सेकंड है एबिलिटी ऑफ हेलोफॉस्फाजिन टू रिलीज ए हेलोजन आयन टू फॉर्म एन एनायन कैटायन कॉम्प्लेक्स। दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हेलोजन आयन को रिलीज किया जाता है और एक एनायन कैटायन कॉम्प्लेक्स बनता है। थर्ड है एबिलिटी ऑफ फॉस्फाजिन टू एक्सेप्ट ए कैटायन, फिर ये कैटायन को एक्सेप्ट करेगा एंड ऑनियम आयन बनाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हम इसकी स्ट्रक्चर जो देखते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन के समान है इसीलिए हमने इसको कंपाउंड को नाम दिया है फॉस्फाजीन। तो जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वे भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। रिजिडिटी ऑफ साइक्लोफॉस्फाजीन रिंग विच फैसिलिटेट द स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर पैकिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड क्लैथरेशन। तो दीज आर द प्रॉपर्टी विच फेवर्स द फ्रीडल-क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है हेलो फॉस्फोजिन कुड रिएक्ट विथ मेटल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं टू गिव टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन, दिस वन इज द हेलो फॉस्फोजिन, दिस वन इज आल्सो नोन एज हेलो फॉस्फोजिन। जब इसकी हम मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, तो दो तरह की कंपाउंड हमें मिलते हैं। फर्स्ट इन्वॉल्व आयन ट्रांसफर एट द फॉस्फोम डाई हैलाइड यूनिट, ये फॉस्फोम डाई हैलाइड यूनिट पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हेलोजन आयन इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और ये कैटायन हमें यहाँ पर मिलता है। सेकेंड रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्केलेटल नाइट्रोजन एंड मेटल ऑफ ल्यूस एसिड, और दूसरा ये जो मेटल हैलाइड है ये रिएक्शन कर सकता है नाइट्रोजन के साथ में क्योंकि ये ल्यूस एसिड है, नाइट्रोजन ल्यूस बेस की तरह बिहेव करता है, तो एडक्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे एक तरह से ये भी मिल सकता है। तो जो फर्स्ट वन का इंटरमीडिएट हमें मिला है
it is believed that complex like 48A, this one is 48A, are intermediate formed during the Friedel-Crafts annihilation of phosphagens. तो जो Friedel-Crafts creation है उसका intermediate भी ये होता है, तो इससे ये हम show कर सकते हैं कि ये compound Friedel-Crafts creation show करते हैं. इसमें क्या होता है, Friedel-Crafts creation में जब हम phosphagin की reaction बेंजीन के साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो Friedel-Crafts सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमें जैमिनल डाइफिनाइल, टेट्राफिनाइल और हेक्साफिनाइल डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन मिक्सचर. तो अगर बेंजीन की मात्रा कम है तो डाइफिनाइल होंगी, इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में है तो हमें हेक्साफिनाइल डेरिवेटिव प्राप्त होंगे. दिस वन इज द हेक्साफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फाजिन. तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज Friedel-Crafts रिएक्शन. इन दीज रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बेंजीन की रिएक्शन जब हम हेलोफॉस्फाजिन के साथ कराते हैं तो ये फिनाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं. दीज वर द केमिकल रिएक्शंस फॉर द फॉस्फाजिन्स एंड on basis of its physical and chemical properties. So there are some uses of phosphagins. The phosphonitrilic halides are used as rigid plastic fibers because they are waterproof and fireproof and are unaffected by oil and petrol. Waterproof or fireproof होने की वजह से ये plastic fibers के और fibers के रूप में use किए जा सकते हैं. They are used as catalyst in manufacture of silicones. Silicone के manufacture में भी इनका use किया जाता है. इनका medicinal use भी होता है. जैसे द फिल्म ऑफ पॉली एमिनो फॉस्फोजिन आर यूज्ड टू कवर सीवियर बर्न्स. बर्न जो हमारे जले हुए होते हैं उसके ऊपर यदि हम इसकी लेयर लगा देते हैं तो ये इफेक्टिव होता है क्योंकि इसकी पतली सी लेयर को कोई भी बैक्टीरिया या भारी तत्व उसको भेद करके अंदर नहीं जा सकते हैं. तो थिन फिल्म ऑफ पॉलीएमिनोफॉस्फोजिन आर यूज टू कवर सीवियर बर्न्स बिकॉज दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड कीप जर्म्स आउट. ये बॉडी फ्लूइड के लॉस को भी रोकते हैं और जर्म्स को भी दूर रखते हैं. तो इसको हम दूसरा इसका मेडिसिनल यूज है कि इसको हम आर्टिफिशियल ऑर्गन मैन्युफैक्चरिंग में भी काम में ले सकते हैं. तो फॉस्फोजिन्स कंपाउंड मेडिसिनल यूज भी होते हैं. बोथ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोजिन्स हैव ग्रेट ऑक्सीडेटिव थर्मल एंड रेडिएटिव स्टेबिलिटी. The substituents suggest NS2, OR, OCH5 or fluorinated derivatives bring about further stability. इनमें cyclic और non-cyclic जो phosphagins होते हैं वे oxidative, thermal और radiatively stable compounds होते हैं. Their water repellency, solvent resistance, flame resistance, retention of flexibility at low temperature and their dielectric properties make them very useful for a variety of modern technological. So these are the main properties of phosphagins which make them useful for our day-to-day life. Main important properties: water repellency, solvent resistance, flame resistance, retention of flexibility at low temperature and dielectric properties. So these are some uses of phosphagins and now complete this chapter. Thank you. Next video mein hum naya chapter start karenge.